कुरुक्षेत्र में रत्नावली राज्य स्तरीय महोत्सव का आगाज हुआ। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी और प्रदेश भर से आए कलाकारों को अपना शुभ संदेश दिया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के सामने आर्य पीजी कॉलेज पानीपत के कलाकारों ने रसिया की प्रस्तुति दी, जहां पर ग्रुप डांस रसिया व हरियाणवी फोक डांस से रोगा रत्नावली का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणवी पगड़ी भी बंधवाई। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संदेश देते हुए कहा कि रत्नावली जैसे अनोखे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। यह एक अनूठा और यादगार उत्सव है। इस उत्सव से युवा पीढ़ी को हरियाणा संस्कृति विरासत से रूबरू होने का मौका मिला और आज युवा पीढ़ी को संस्कृति की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृति ही देश के प्रति निष्ठा को बनाकर रखती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 34 वर्षों से आयोजित किए जा रहे इस उत्सव में इस वर्ष 31 विधाओं में 3500 कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। 29 अक्टूबर को हरियाणा के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रत्नावली कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं अपनी तरफ से आयोजकों को और आप लोगों को, साथ ही साथ यहाँ की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूँ एवं कुलपति महोदय और यहाँ उपस्थित जनों को नमन भी करता हूँ। यह सर्वविदित है कि कुरुक्षेत्र एक ऐसे स्थान पर है जहाँ कौरव और पांडवों की धर्म युद्ध हुआ था। इसी धर्म युद्ध में श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः ये एक काफी पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थान है और ये कहा जाए कि ये विद्या का केंद्र के साथ साथ आध्यात्मिक राजधानी है। उपस्थित भाइयों में बहनों, हरियाणा के संबंध में जितनी भी बातें कही जाएगी मैं समझता हूँ कि बहुत कम होगा, क्योंकि हरियाणा राज्य कई क्षेत्रों में देश में एक नंबर है। जैसे कृषि के क्षेत्र में पशुधन, मोबाइल इंडस्ट्री, सेना, खेल इत्यादि में नंबर एक पर है। देश की तरक्की के ये हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का उन्होंने एक नारा दिया। जब भारत स्वच्छ रहेगा और हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी काम को करने में सुविधा होगी। जैसे कहा गया ना, हेल्थ इज वेल्थ। सारी संपत्तियों का जड़ स्वास्थ्य अगर ठीक रहता ना तो हर काम को हम आसानी से करते हैं, तबीयत लगती है। माइंड इन ए साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, इस कहावत का आप माने निकालिए हिंदी में कि अगर स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ दिमाग का निवास करेगा और स्वस्थ निवास जो होगा तो अच्छे कामों में, सारे चीजों में आप अच्छा काम कर सकेंगे। स्वस्थता पर ध्यान देना चाहिए। अभी अभी हमारे कलाकारों ने कार्यक्रम दिखाया, उस कार्यक्रम से दिखाने से हमको ऐसा लग रहा है ना कि छात्राओं की भी संख्या यहाँ बहुत अच्छी है और छात्राओं की संख्या में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां भी किसी से पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि इसको सुविधा मिलना चाहिए। अब तो सुविधा में हरियाणा की बेटियां सेना में भी जाकर के सुरक्षा की भार ले रही है, पढ़ाई में भी अच्छा है, और हर तरह से इस पर विचार किया जाए तो हरियाणा किसी के पीछे नहीं है। इसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, सबके साथ सबका विकास, अर्थात पूरे देश के लोगों को एक साथ लेकर चले और उसको हम सबका विकास हो सके। ये कि नौजवानों की शक्ति देश की शक्ति होती है, और युवाओं को माता पिता गुरुजनों जन्मभूमि मातृभाषा एवं रक्षा करनी चाहिए, साथ ही साथ उसका कदर भी करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता का कदर करता है आदर करता है उसको जीवन में तरक्की होती है। इसलिए कहा गया कि बंधुओं स्वर्गादपि गरीयसी, माने जन्मभूमि जो होती है ना स्वर्ग से कम, स्वर्ग उसका वही है। इसलिए इस कहावत को मैंने आपसे कहा कि हमारे नौजवान जो है इसका पालन करें। क्या अनुशासन बहुत बड़ी चीज है, और शिष्टाचार, अनुशासन और शिष्टाचार पर ध्यान अगर देंगे तो नैतिक मूल्यों का भी संरक्षण। कहा गया है ना कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब तक अनुशासन में रहकर कोई काम नहीं करेंगे तो शिक्षा का अध्ययन भी होना मुश्किल होता है, उच्च श्रृंखल बन करके बहुत चीजों का हासिल नहीं कर सकते। इसलिए बड़ों को आदर करना, गुरुओं का आदर करना, माता पिता को आदर करना, राष्ट्रभाषा को आदर करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये सारे चीजों की दायित्व जो है अनुशासन नहीं आता है। इसलिए अनुशासन में रह के काम होना चाहिए।